अभी बच्चों आज जो है कक्षा 12 सामान्य हिंदी काव्य का पाठ एक का जो पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाव जी का है उसका जो शेष भाग है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। 19 तक बता दिए थे, 20वें से देखिए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुगाना यव देना आए भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोलती है। इसमें जो है ऐसा कि इसका जो प्रसंग है बताया गया था आपको कि इसमें राधिका जो है राधा जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उस समय राधिका कृष्ण के प्रेम में उनके वियोग में वह जो है व्याकुल है और पवन के माध्यम से या पवन से वह जो है संदेशा भेजवा रही है, उसको दूती बना करके पवन को भेज रही है कृष्ण के पास। तो उसी के संबंध में यहाँ फिर वह पवन से कह रही है कि ला के फूले कमल दल, वह जो है पवन के माध्यम से ऐसा कुछ करने के लिए कह रही है कि कृष्ण को हमारे जो कृष्ण हम लोगों के साथ गोपियों के साथ हमारे साथ यानी राधिका के साथ जो वह कृत्य करते थे जैसे रास रचाते थे उस प्रकार की कुछ ऐसे कृत्य वायु को कह रही है पवन को कि हे पवन जाके उसके समक्ष करना जिससे कृष्ण को हमारी याद आए। तो इसमें वही फिर से बता रही है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही करे कि हे पवन जब तुम मथुरा धाम में मथुरा जाना तो क्या करना कृष्ण के सामने ला के फूले कमल दल को, ला के मतलब ले आ करके, फूले मतलब फूले हुए कमल दल यानी कमलों के समूह को श्याम के सामने ही श्याम के कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में थोड़ा थोड़ा यानी थोड़े थोड़े किसको कमल दल को क्या करना विपुल मतलब अत्यधिक जल यानी जल में व्यग्र व्याकुल होकर डुबोना यानी डुबाना कह रही है राधिका की हे पवन तुम जो है क्या करना कहीं से फूले हुए कमलों के समूह को ला करके कृष्ण के सामने श्याम के सामने अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा उस कमल को व्याकुलता के साथ धीरे धीरे डुबोना। इससे क्या होगा बता रही है कि यव देना ए भगिनी जतला, भगिनी माने बहन, यव देना ए भगिनी करे कि ए बहन पवन तुम जो है जतला देना यानी उस कृष्ण को समझा देना बतला देना कि इसी प्रकार से इस कमलों के समूह की भांति एक अंभोज नेत्रा, अंभोज माने कमल होता है, नेत्रा माने नेत्र वाली यानी कमल नेत्रों वाली, इसी कमल के समान नेत्रों वाली राधिका जो है आंखों को विरह विधुरा, अपने आंखों को विरह विधुरा यानी विरह से व्याकुल होकर के वह जो है वारी वारी माने जल में पूरती है इसी प्रकार से डुबोती है अर्थात उसकी आंखें जो है इसी प्रकार से वह जो है वारी में आंसुओं के जल में वह जो है सदैव तुम्हारे वियोग में हमेशा उसकी आंखें डूबी रहती हैं। अगला है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूं। अगले में राधिका पुनः कह रही है पवन से कि हे पवन धीरे लाना वहन करके, धीरे धीरे वहन माने ढो करके लाना, क्या लाना नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम का, पुष्प माने फूल कोई यानी कोई कदम के पुष्प को तुम धीरे धीरे ढो करके लाना और क्या करना औ प्यारे के चपल दृग के, औ प्यारे और उस प्रियतम के चपल दृग के, चपल मतलब चंचल, दृग माने नेत्रों के सामने डाल देना उस जो है कदम के पुष्प को लाके डाल देना जिससे क्या हो कि ऐसे देना प्रकट दिखला, हे पवन तुम ऐसे उसको प्रकट करना ऐसे उस जो है फूले हुए वह कदम के पुष्प को ले जाकर के कृष्ण के दृगों के नेत्रों के सामने रखना कि ऐसा उसको आभास हो, ऐसा प्रतीत हो कि इसी प्रकार से नित्य आशंकिता हो, इसी प्रकार से सदैव आशंकित हो करके कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूं। यानी यह राधिका
क्या हो रही है, विरह के वशीभूत होकर के सदैव जो है रोमांचित हो रही है, उसके रोए जो है कंपित हो रहे हैं, वह जो है तुम्हारे वियोग में ऐसे ही वह कुम्हला रही है, मुरझा रही है। अगला है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, फिर कह रही है कि हे पवन बैठे नीचे, यानी श्री कृष्ण जिस बिटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हो श्याम हुए उसी के, यानी जो श्याम श्री कृष्ण जिस वृक्ष के बिटप के नीचे बैठे हो उसी का, यानी उसी वृक्ष के कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना करे, कि उसी वृक्ष के किसी पत्ते को लेकर के तुम उस श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ऐसे हिलाना कि यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और उस प्रियतम को विदित करना, ज्ञात कराना, चातुरी से दिखाना, चतुरता के साथ कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि इसी प्रकार से मेरे चिंता विजित चित्त का, यानी जो मेरा चित्त है, मन है, चिंता विजित जो चिंता से व्याकुल है, क्लांत हो कांप जाना। इसी तरह से क्लांत हो करके दुखी हो करके क्या कर रहा है, कंपित हो रहा है, कृष्ण के वियोग में कांप रहा है। आगे कर रही है कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, और क्या कर रही है राधिका, कर रही है हे पवन सूखी जाति मलिन लतिका, सूखी जाति यानी सूखी हुई जा रही हो, यानी सूख रही हो, मलिन लतिका मुरझाई हुई कोई लता जो धरा में पड़ी हो, अगर कहीं धरा में पृथ्वी पर पड़ी हो, करे कि कोई सुखी यानी सूखती हो रहा, सूख रही हो, मुरझाई हुई हो कोई जो लता जो धरा में पड़ी हो, तो उसको क्या करना, हे पवन तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस मुरझाई हुई लता को, उस मलिन लता को क्या करना, श्री कृष्ण के पांव के सम्मुख, पांव के सामने ला करके गिराना, कि यौ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, कि ऐसे उसको प्रकट करना जिससे श्री कृष्ण को ऐसा आभास हो कि ऐसे ही प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से, तुम्हारे प्रेम से वंचित हो करके वह जो है, वंचित मतलब हट करके यानी प्रेम से दूर, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना, कि मैं भी यानी राधिका भी इसी पुष्प के समान क्या हो रही है, अत्यंत मुरझाई हुई है, मलिन होती जा रही है और सदैव जो है सूखती जा रही है। अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। फिर राधिका कह रही है कि कोई पत्ता नवल तरु का, कोई पत्ता नवल माने नए, तरु माने पेड़ का पीत हो, पीत जो हो रहा हो, पीत माने पीला जो हो रहा हो, तो क्या करना, तो प्यारे के दृग, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो प्यारे यानी प्रियतम के दृग युगल, दृग माने नेत्रों, युगल माने दोनों, यानी दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही, उसी पीले पत्ते को ला करके तुम क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे उसको संभाल करके रखना, यो उन्हें यो बताना, आओ उन्हें यो बताना, और कह रही है कि उन्हें इस प्रकार से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कह रही है कि इसी प्रकार से तुम्हारी जो प्रोसिका है, प्रोसिता है, जो तुम्हारे द्वारा प्रोसित है, यानी तुम्हारी जो प्रेयसी है, जो प्रियतम है, प्रियतमा है, उसका जो शरीर है वह क्या हो रहा है, पीला होना प्रबल दुख से, वह जो है वह अत्यंत दुख से उसका शरीर इसी पत्ते के समान क्या हो रहा है, पीला पड़ गया है। यौ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित को बोध मैं दे सकूंगी। आगे कर रही है राधिका, यौ प्यारे को विदित करके, उस प्यारे उस प्रियतम को विदित माने जानकारी दे करके, यानी सब बता करके, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाएं, मेरे सभी दुख दर्द धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, तुम जो है हे पवन क्या करना, धीरे धीरे वहन करके ढो करके पांव की, उनके पैरों की धूल माने धूल को लाना, और क्या करना, थोड़ी सी भी चरण रज जो, राधिका कह रही है कि हे पवन थोड़ी सी भी चरण माने चरण की, रज माने धूल, यानी उनके पैरों की थोड़ी सी भी धूल जो लान देगी हमें तुम, अगर तुम मुझे लही ला करके दोगी तो करे कि हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूंगी, तो करे कि मैं इस व्याकुल मन को, हृदय को,
किस प्रकार से बोध कर पाऊंगी, अर्थात किस प्रकार से इस मन को जो है बहला पाऊंगी, अपने आप को संतुष्ट कर पाऊंगी। लास्ट पंक्तियां हैं, यानी लास्ट जो है इसका है कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी बिना इतनी मान ली और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। लास्ट में राधिका पवन से कह रही है कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, करे हे पवन अगर तुमसे जो मेरी व्यथा है, जो मेरी सभी बातें हैं, अगर तुमसे कृष्ण में कृष्ण को बताने में यदि तू समर्थ न होना, तू असमर्थ हो जाएगी, तो सिर्फ इतना करना करे कि तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो हे पवन तू मेरी सिर्फ इतनी विनती मान ले, इतनी विनय मान ले और वहां चली जा। क्या करना कि छू के प्यारे कमल पग को, छू के प्यारे मतलब प्रियतम के कमल पग यानी कमलवत चरणों को प्यार के साथ आ जा, तुम प्यार के साथ मेरे पास आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और लास्ट में कह रही है कि तुम्ही को मैं अपने हृदय के तल में अर्थात हृदय में लगा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, जी लूंगी कि मुझे मेरा प्रीतम श्री कृष्ण जो है मिल गया। इस तरह से ये प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का काव्य है उससे ये पंक्तियां थी और ये समाप्त हो रही हैं। उसके बाद जो है आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।